हेलो फ्रेंड्स, मैं रजी अमान आपको अपने चैनल गार्डनिंग ऑन रूफटॉप एक बार फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे सामने एक लेमन का ट्री पड़ा हुआ है जो मैं लगभग इसको अराउंड 3 महीने हो गए इसको लाए हुए मुझे। तो जब लाया था तब भी इसमें तब इसमें चार नींबू लगे हुए थे, अभी इसमें 2 बचे हैं, 2 गिर गए। तो बीच में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आई थी, लगभग दोस्तों ऐसा लग रहा था कि 50-100 नींबू लग जाएंगे, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आई थी। तो बीच में हवा बहुत ज़्यादा चली, ये मार्च के महीने यानी फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा हवा चली और धीरे 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 सारे फ्लावर गिर गए इसके। तो उसके बाद जैसे फ्लावर गिरे उसके 10-15 दिन बाद फिर से फ्लावर आए इस पर, लेकिन उसमें छोटे छोटे नींबू आए और पता नहीं क्यों वो भी सारे गिर गए। तो मैंने इस पर थोड़ा सा सर्च किया दोस्तों नेट पे कि मैं इसमें वाटरिंग ज़्यादा करता था, ओवर वाटरिंग की वजह से सारे के जो इसके फ्लावर हैं वो झड़ जाते हैं। तो फिर मैंने इसमें वाटरिंग करना कम कर दिया तो इसकी लीव्स भी थोड़ी अच्छी हो गई दोस्तों, और थोड़ा घना सा दिख रहा है और देख रहा हूँ कितना अच्छा प्लांट है मेरा। ये मिट्टी के लगभग 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है दोस्तों। तो इसके सॉइल देख सकते हो, इसमें दोस्तों मिट्टी है गार्डन की, इसमें कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट है एंड रेत भी है थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो सॉइल है काफ़ी रिच है दोस्तों, आप देख रहे हो उसका कलर ही दिख रहा होगा आपको कितनी रिच सॉइल है। लेकिन इस साइज़ के ये ट्री के लिए गमला छोटा पड़ेगा आई थिंक, अभी नहीं, मैं इसको बरसात में बारिश के जब सीज़न आएगा तब मैं इसको बड़े गमले में शिफ्ट करूँगा, फ़िलहाल मैं इसको इसी में ग्रो करूँगा। ये प्लास्टिक का गमला है दोस्तों, तो मैंने उस शेड डाल रखा है उस कोने में, वहाँ पर इसको रखता हूँ, कुछ इस तरफ रखता हूँ कुछ वहाँ पर रखता हूँ, दोनों तरफ मैंने शेड बना रखा है दोस्तों। सारे प्लांट आप गर्मियों में एक साथ रख दीजिए तो जो इनके अंदर ह्यूमिडिटी बनेगी दोस्तों उससे ये अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो अलग अलग इंडिविजुअली रखोगे तो दोस्तों बहुत जल्दी सूख जाएंगे। दिल्ली में आज टेम्परेचर 43 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, कल भी 43 था, तो अब ये बढ़ेगा दोस्तों, कम तो होगा नहीं ये सीज़न में। देख रहे हो नींबू कितना प्यारा है दोस्तों, ठहरो भाई, मैं सोच रहा हूँ ये पकेगा कब, मुझे लगता है हल्का हल्का पीला होने लगा है, तो जब ये पक जाएगा तब मैं इसको तोड़ दूँगा। तोड़ने के बाद दोस्तों आप देख रहे हो कि इसके ब्रांच पे ये फंगस है या क्या है मुझे पता नहीं, मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा जब ये अमरूद पक जाएगा तब। फिलहाल मैं इसी लालच में हूँ, इसको नहीं तोड़ रहा हूँ क्योंकि इस पर अमरूद, ये सॉरी अमरूद कह रहा हूँ, नींबू लगा हुआ है, अमरूद कहाँ से मेरे मुँह में आ गया। एक ये वाला है वो थोड़ा उससे बड़ा है एंड कुछ यहाँ पे नीचे एक ब्रांच थी उसमें भी लगे हुए थे, तो वो तो मैंने कट कर दिया यहाँ से, ये जो ब्रांच दिख रही है यहाँ से मैंने ब्रांच काट दिया था। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसकी केयर की, तो नींबू का प्लांट है दोस्तों धूप में आप फुल्ली सनलाइट में सन में रखो तो कोई दिक्कत है नहीं इसको, बट आपकी इसकी अगर सॉइल अच्छी हो तो ये सरवाइव कर जाएगा। सॉइल अच्छी मीन्स है कि आप पानी डालते हो सारा पानी इसका निकल जाता है, वेल ड्रेन सॉइल बनाते हो तो जब सारा पानी निकल जाता है तो थोड़ा सा मॉइस्चर ही रह जाता है दोस्तों, तो उसमें ये गर्मियों में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है इसके लिए। तो इसीलिए आप सॉइल में इसके हमेशा 30% आप कोकोपीट मिला दीजिए, वैसे 50% आप ग्राउंड ये गार्डन सॉइल लेते हैं मिट्टी लेते हैं, 30% आप उसको कोकोपीट मिलाइए, बाकी जो आपके 20% बचता है उसमें वर्मी कंपोस्ट है नीम खली या गाय का जो होता है वो मिलाइए। खैर सीज़न नहीं है दोस्तों, आपको ये गाय का जो गोबर है मिलाने का वो फरवरी में आप मिलाते या जनवरी में मिलाते तो अच्छा होता, आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अब मेरा ये देख रहे हो दोस्तों ये जो टर्न टेबल मेरा है, एक्चुअली क्या ये एक्सरसाइज करने वाला है,
तो मैंने इसको टर्न टेबल बना दिया, बहुत काफ़ी हेल्दी प्लांट है दोस्तों। इसको मैं बीच बीच में एनपीके देता रहता हूँ। मेरे पास एनपीके है उसके 20-20-20 के अनुपात में, 19-19-19 में डाल सकते हो आप, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इसको कटिंग कर दी थी टाइम पे, जब मैं इसको फैब में इसकी कटिंग करी थी दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से कटिंग करी थी तो यहाँ से नई वो ब्रांच निकलने लगी है। ये देख लीजिए आप, अभी इसको कटिंग करूँगा मैं दोस्तों, अभी नहीं, जब ये नींबू पक जाएगा तब कटिंग करूँगा। बहुत सारी ब्रांचें मैंने काट दी थी दोस्तों, तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। मैंने ये देख रहे हो बीच में छोटी सी और निकल रही है पत्तियाँ इसमें, तो ये अच्छा अच्छे से चल रहा है दोस्तों, अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो इसको भी दो जगह से काट दिया था मैंने। नींबू का बहुत हार्डी प्लांट होता है दोस्तों, लेकिन हाँ आप ये मत सोचिए कि नींबू का प्लांट है हार्डी है, फुल सनलाइट में रख सकते हो तो इसमें वाटरिंग आप 3-4 दिन में एक बार करो, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको डेली बेस पे वाटरिंग करनी पड़ती है, दो बार नहीं तो सही, एक बार शाम को सूरज ढलने के बाद वाटरिंग, फुल वाटरिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा डाल दिया ऊपर का सरफेस एरिया भीग गया हो गया बहुत, नहीं, अब जब भी वाटरिंग करिए पौधे को तो फुल वाटरिंग करिए। एक बार अगर आपका गमला ओवरफ्लो होने लगा है पानी से, ओवरफ्लो पानी से होने लगता है तो आप छोड़ दीजिए, एंड सारे गमलों में आप पानी बारी बारी सारे गमलों में पानी देने के बाद फिर इस पर आइए, एक बार फिर से इसमें दोहराइए, पानी फिर से भर दीजिए। जब इसका ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगेगा तब आप समझ जाइए कि इसमें फुल वाटरिंग हो गई है दोस्तों। मेरी मिट्टी ये देखो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोकोपीट इसमें है और मैंने उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया था, क्योंकि पॉट छोटा है तो इसमें न्यूट्रिशन तो उसको प्लांट को चाहिए चाहिए दोस्तों। रूट बढ़ने की ज़्यादा जगह है नहीं इसमें। मैंने इसको चूज़ किया था दोस्तों क्योंकि इसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा थी और चारों तरफ फैली हुई थी, इसीलिए प्लांट मैंने चूज़ किया था। शायद उस टाइम मुझे 150 का या कितने का पड़ा था, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा सर, लेकिन इतने का ही था, 150 या 120-160 अराउंड इतना ही था, कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन प्लांट मुझे बहुत अच्छा मिला। तब इतनी सारी पत्तियाँ नहीं थी दोस्तों, ये पत्तियाँ इसके स्प्रिंग सीजन में आई हैं जब मैंने कटिंग करी है तब। मेरे कटिंग करने के बाद जो स्प्रिंग सीजन में मैंने इस पर एनपीके और खाद वगैरह डाला है ना, जब इसमें रीपॉट किया है, पॉट चेंज किया है, मिट्टी इसकी चेंज करी, उसके बाद इसमें इतनी सारी पत्तियाँ आई, फ्लावर्स आए, फ्लावर्स तो खैर सारे निकल गए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से फ्लावर्स आ जाएंगे। प्लांट को सही सलामत रहना चाहिए दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, आप ये मेरी लीव्स देख रहे हो, ये नई लीव है, इसमें कीड़ों ने काट दिया था, इसे शुरू में कीड़े लग गए थे। ये लीव्स है मेरी, ये लीव है, एंड अब ये देख रहे हो छेद देख रहे हो ना, सारे कीड़े ने काट रखा है। आप यहाँ पे इस लीव को देखिए, तो उस टाइम मैंने इस पर थोड़ा सा पानी में वो नीम ऑयल मिला के इस पर स्प्रे कर दिया था 2-3 बार, तो उसके बाद से सब सही हो गया, कीड़े नहीं आए दोबारा। तो इल्लियाँ बहुत आती हैं दोस्तों सीज़न में, स्प्रिंग सीज़न में इल्लियाँ बहुत आ जाती हैं, इस पर जो तितली होती है वो अपने अंडे दे जाती है, तो इल्लियाँ जो होती हैं वो पत्ते खाती हैं, तो उसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। आप भी जब भी ऐसा कीजिए तो नीम ऑयल डालिए। नीम ऑयल का एक और सा बात है कि पत्तियाँ देखो ये ख़राब हो रही है ना दोस्तों, ये अगर उस दिन तो मैंने सही टाइम पे इसमें नीम ऑयल डाले, नीम ऑयल से ये है कि पत्तियों में शाइन आती है दोस्तों। आप नीम ऑयल यूज़ करो तो उससे पत्तियों में बहुत अच्छी शाइन आती है, एंड जो कीड़े वड़े होते हैं, जो पेस्टिसाइड होते हैं, सारे मर जाते हैं, इससे भाग जाते हैं, इसके पास नहीं आते। अब एक बार नहीं, कम से कम 3 या 2-3 बार तो करिए, एक हफ्ते में आप 3 बार अगर स्प्रे कर देते हैं तो दोस्तों फिर वो जितने कीड़े मकोड़े होंगे सब हट जाएंगे। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो मेरे पास
एक पाउच पड़ा हुआ है, माली से मैंने पौधे लिए थे तो उसके पास चेंज नहीं था दोस्तों, तो उसने 10 रुपये में मुझे 2 ये नीम कली के पाउच दे दिए, नीम कली। तो अब मेरे गमले में इतनी जगह नहीं है दोस्तों कि मैं इसमें नीम कली डालूं, बट क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही रिच है तो मैं निकाला था इसको इसमें डालने के लिए, बट अभी नहीं करूँगा। तो कोकोपीट आप ज़रूर मिलाइए दोस्तों अपनी, इसमें जब सॉइल तैयार कीजिए तो कोकोपीट ज़रूर मिलाइए। मैं गर्मियों में सजेस्ट करूँगा कि आप कोकोपीट मिलाइए ज़रूर, क्योंकि जो कोकोपीट है ना वो पानी को होल्ड करके रखता है। सॉइल में जो नमी जी मॉइस्चर जी, पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वो कोकोपीट होल्ड करके रखती है। अगर 2-3 दिन तक अगर उसमें अच्छे सही 30% आपने कोकोपीट मिलाया है, 3-4 दिन तक अगर वाटरिंग नहीं करोगे तभी आप अगर खुरपी से खोद के देखोगे तो उसमें हल्की फुल्की नमी बची रहेगी, जस्ट बिकॉज आपके उसमें कोकोपीट मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मेरे कुछ, ये लेमन ट्री की अपडेट थी और इसके कुछ केयर टिप्स थी दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, कुछ जानकारी मेरे पास जो थी मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों, क्योंकि मेरे पास लेमन ट्री ये एक ही है और मेरे पास ऑरेंजेस हैं, मौसमी हैं, वो भी दिखाऊंगा दोस्तों, अभी नहीं दिखाऊंगा, किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसमें फ्रूट लगा हुआ है, अब मैं उसको शेड में रख दूंगा। खैर दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। धीरे धीरे दोस्तों अब मुझे अच्छे रिस्पांस भी मिलने लगे हैं, तो लोग थोड़ा बहुत देखने लगे। जब मेरे वीडियो को 20-25 लोग देख लेते हैं तो हाँ मुझे लगता है कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो गई, 20-25 लोगों ने तो देख लिया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।